सिलेंडर से गैस की जगह निकला पानी, उपभोक्ता हुआ हैरान। कानपुर के चकेरी इलाके के रहने वाले इरशाद अहमद ने बीती 7 मार्च को अपना गैस सिलेंडर जीतेन गैस एजेंसी में बुक कराया था और सिलेंडर को 9 मार्च की सुबह उसे अपने चूल्हे से लगाया था, जिसकी 5 दिन के भीतर ही सिलेंडर से गैस खत्म हो गई। उन्होंने जब सिलेंडर का वाल्व पिन से दबाया तो उसमें से काफी मात्रा में पानी निकला, जिसे देख इरशाद हैरान हो गए। इरशाद ने बताया कि इस सिलेंडर से करीब 27 किलो पानी निकला। जब इसकी शिकायत हॉकर शकील से की तो उसने बोला कि आज आपका काम हो जाएगा। मौके पर सिलेंडर सप्लाई करने वाले हॉकर शकील ने 6 घंटों के अंदर उपभोक्ता का सिलेंडर बदल दिया। आपको बताते चले कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें गैस एजेंसी वाले गैस सिलेंडर से गैस की कटिंग कर वजन बराबर करने के लिए उसमें पानी भर देते हैं। यह एक बेहद गंभीर मामला है, संबंधित को इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए उचित कार्यवाही करनी चाहिए। वहीं लगातार स्थानीय पत्रकारों द्वारा गैस चोरी व गैस रिफिलिंग संबंधित खबरें प्रमुखता से चलाई जा रही हैं। जब इस संबंध में एक स्थानीय पत्रकार ने संबंधित जितेन गैस एजेंसी के लोगों से इस विषय में बातचीत की तो उनका कहना था कि आप लोगों को कोई बरगलाए है, यह सब चलता रहेगा, यह रुकेगा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो नौशाद है। नौशाद भाई, किस मामले में गैस कम है, क्या है, क्या हुआ? ये मैं बुकिंग करी थी, 7 तारीख को गैस आई थी, 9 तारीख को लगाया, 14 तारीख को सुबह ये गैस खत्म हो गई। गैस जल नहीं रही, घर पर मैडम बताए, जब आके देखा हमने हिला तो इसमें पानी हिल गया। इसके कंप्लेन ऑफिस किया आपने? फोन किया था जो गैस लाया था। क्या कह रहा? वो बोल रहा पहले तो मैडम से उन्होंने फ़ोन किया, कहीं अभी आके देख लेंगे, आज के तारीख में हो जाएगा, कहीं कब आएंगे, कहीं आ जाएंगे, चाहे टाइम मिलेगा। आश्वासन पे आश्वासन दे रहा आपको जी? आश्वासन मिला? हाँ, बोले फिर बाद में फिर कॉल आए, कहीं आके देख लेंगे एक घंटे में। बाकी इस कॉल रिकॉर्डिंग में आप स्पष्ट सुन सकते हैं क्या बातचीत हुई पत्रकार और जीतेन गैस एजेंसी के कर्मचारी से, सुनिए। हेलो, हाँ बताओ भैया। 27 लीटर ही पता नहीं, 27 लीटर 27 किलो पानी निकला है खाली। भैया देखो ऐसा है, उसमें 2 किलो मतलब अगर सबके पीछे पड़ोगे अच्छी बात नहीं, पानी है? निकलता है, पानी का भुगतान मिलता है कस्टमर को, ऐसा तो नहीं उसे मारा जाता था। अच्छा। कंप्लेन नोट कराती, जितना पानी होता है गैस बुक कर उसका पैसा कटवा के गैस देखे चलाता है। अच्छा। कोई कस्टमर का नुकसान कभी हुआ? कोई ऐसा कस्टमर जिसने पानी कंप्लेन की उसे पानी का पैसा ना मिला हो? क्यों निकल रहा है भैया पानी? कोई मरता नहीं है? आप अगर सप्लाई करते हो और पानी निकल रहा है तो पैसा ना सिलेंडर देती है ना इंटरनेट डिलीवरी मैन को भरना होता है, और जब उसे भरना तो पानी क्यों भरेगा? तो पूछे पानी क्यों निकलता है? अब वो नहीं जान पाएगा, अगर आप भी जान पाओ, आप सिलेंडर यहाँ तो थक ले जाओ अचानक पानी, तो आपकी जिम्मेदारी होती है, कंपनी नहीं मानती इसको। अच्छा। डिलीवरी मैन भरेगा पैसा, ग्राहक का कभी नुकसान नहीं हुआ इस मामले में, कोई भी एक भी ग्राहक कहते हैं पानी की कंप्लेंट की हो पैसा ना मिला हुआ। अब हमें क्या मालूम, ये देखिए पहली बार हमारे पास आया है, पहली बार। एक तो वीडियो बनाया आपने डाला है, ये चीज उछालना भरना, कौन आपको बरगला रहा है, किसके द्वारा, कहे पे आप कर रहे हैं काम, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो शिकायतें चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होंगी। और उसका बाकायदा भुगतान डिलीवरी भरता है, और हमने गलत काम किया आपकी नजरों में, हमने गलत काम किया भाई। कस्टमर से पूछो कि कभी कंप्लेंट की हो उसका काम ना हुआ, बताइए कहाँ काम हो रहा था सुबह से, वो बेचारा इतना परेशान नहीं हो रहा है। कौन गया वहाँ पे पहले बताइए आप भाई, कौन गया, कहाँ गया, जब हमने फोन किया तब गया है, पूछिए शकील से। कस्टमर ने कंप्लेंट की है, बाकायदा सुमन मैडम ने उसको भेजा। ऐसा नहीं ना, हमने फोन किया मैडम, क्या आप तो पीछे पड़े, आपकी एजेंसी थोड़ी चला रहे हैं आप। ठीक है, जो शिकायत हमको करेगा, मेरी कंपनी में करेगा, भैया को करेगा, काम होगा उसका। ठीक भाई, भाई 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 बहुत सही। ठीक ठीक भाई, भैया ठीक, आप तो पीछे पड़े उसमें बात। ठीक 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 भाई, धन्यवाद। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।